हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीड लर्नोपीडिया। आज हम लेकर आए हैं 23 और 24 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज़ से। आज की जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है इंडिया एंड सिंगापुर लॉन्च जॉइंट डिजिटल पेमेंट मैकेनिज्म अनेबलिंग ईजी एंड फास्टर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी एंड हिज सिंगापुर काउंटर पार्ट ली सेन लुंग लॉन्च्ड क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी बिटवीन द यूपीआई ऑफ इंडिया एंड पे नाउ ऑफ सिंगापुर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या कहा गया है कि इंडिया और सिंगापुर का जो पेमेंट नेटवर्क है, जैसा आपने इंडिया का यूपीआई है और सिंगापुर का पे नाउ है, दोनों का इंटरफेस किया गया है, दोनों को कनेक्ट किया गया है, जिससे कि इंडिया के लोग सिंगापुर में और सिंगापुर के लोग इंडिया में आसानी से पैसों का लेन देन कर सके। ठीक है, द लिंकेज ऑफ यूपीआई एंड पे नाउ विल मेक इट पॉसिबल फॉर सिटीजन्स ऑफ बोथ नेशंस टू सेंड रेमिटेंसेस अक्रॉस बॉर्डर मोर क्विकली एंड अफोर्डेबली। इससे क्या होगा, यूपीआई और पे नाउ के लिंकेज से कि जो सिटीजन्स है बोथ द नेशंस के, काफी आसानी से अपने पैसे को जल्दी से और कम खर्चे पे इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया कर सकते हैं। इसके जो मेजर जो बेनिफिट रहेगा वो रहेगा स्टूडेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर जो पढ़ाई करने के लिए गए हैं। उसके अलावा जो माइग्रेंट वर्कर्स है, माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो हमारे इंडिया के जो लोग हैं जो वहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये काफ़ी काम का रहेगा। उसी के साथ साथ में हमारे सिंगापुर में जो बहन भाई रहते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेंगी। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस अलाउज एप्स यूज़र टू यूज़ देयर इंडियन बैंक अकाउंट टू पे एट मर्चेंट आउटलेट्स इन यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल एंड भूटान। इससे क्या होगा, ये वाले ऐप के द्वारा आपके इंडियन बैंक अकाउंट से आप मर्चेंट को यूएई में, सिंगापुर में, मॉरिशस में, नेपाल में और भूटान में पेमेंट कर सकेंगे। इनिशियली इंडियन यूजर्स कैन रेमिट अप टू ₹60,000। शुरुआत में इसकी लिमिट कम रखी गई है, शुरुआत में आप ₹60,000 तक के भेज सकते हैं, जो कि 1000 सिंगापुर डॉलर्स की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, शुरुआत में अभी जो उसकी लिमिट है वो कम है, धीरे धीरे बढ़ाई जाएंगी। द आर बी आई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, द एन पी सी आई का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, काफ़ी बार बता दिया है। बैंकिंग कंप्यूटर सर्विसेज पीटीई लिमिटेड, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स एज वेल एज नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क टुगेदर टू क्रिएट द लिंकेज। आरबीआई जो है, मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, एनपीसीआई है, बैंक्स है, एनबीएफसीज है, सभी ने मिलकर काम किया है और ये लिंकेज को तैयार किया है। शुरुआत में इसमें कुछ कम बैंक्स पार्टिसिपेट कर रही है। टू बिगिन विथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक एंड ICICI बैंक विल फैसिलिटेट द रेमिटेंस बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। SBI, IOB, इंडियन बैंक और ICICI बैंक बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड रेमिटेंस करेंगी, और जो एक्सिस बैंक है और DBS इंडिया है वो खाली इनवर्ड रेमिटेंस करेंगी। ये था अपने इंडिया के लिए। अब जो सिंगापुर के जो यूजर्स हैं वो, उनको सर्विस कौन देगा, उनको DBS सिंगापुर देगा और लिक्विड ग्रुप देगा। लिक्विड ग्रुप वहाँ का एक नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पे नाउ और UPI का लिंकेज हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव प्रेजेंटेड बाय द ESIC टू मॉडर्नाइज ESIS हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। द निर्माण से शक्ति इनिशिएटिव इंक्लूड्स अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन ऑफ ESIS स्कीम हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इन अ फेज्ड मैनर। ESIC एक कंपोनेंट होता है, जिन लोगों की सैलरी थोड़ा कम रहती है उसमें से एक कंपोनेंट काट लिया जाता है, और वो उनको, अगर उनको कुछ मेडिकल इमरजेंसी आते हैं उनको या उनके फैमिली को, तो वो अमाउंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, जो उसके जो हॉस्पिटल्स है, इसके जो लिंकेज हॉस्पिटल्स है, वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन बनाने वाले हैं 100, 200, 500 बेड हॉस्पिटल का, और उसमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ रहने वाली है। उसके अलावा एक ऑनलाइन रियल टाइम डैशबोर्ड रहेगा,
उसके अलावा एडॉप्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो डिले होता है उसको एलिमिनेट किया जाएगा, डिजिटाइजेशन किया जाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होने वाली है। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम इज़ एन इंटीग्रेटेड मेजर ऑफ सोशल इंश्योरेंस फॉर द वर्कर पॉपुलेशन, ये जो मैं अभी बताया आपको, जो भी वर्कर पॉपुलेशन है उसके लिए एक सरकार की स्कीम है, एंड इमीडिएट डिपेंडेंट और फैमिली मेंबर के लिए भी होता है इन द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये आप ध्यान रखेंगे, निर्माण से शक्ति किसके रिलेटेड है, तो निर्माण से शक्ति भैया ESIC के रिलेटेड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो थोड़ा सा अभी जो नई एजुकेशन स्कीम आई है उसको लेकर है। जादुई पिटारा, एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस लर्निंग टीचिंग मटेरियल फॉर फाउंडेशनल ईयर्स। लर्निंग टीचिंग मटेरियल कॉल्ड जादुई पिटारा हैज़ बीन लॉन्च फॉर फाउंडेशन स्टेजेस एज एनविसेक्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन न्यू दिल्ली बाय धर्मेंद्र प्रधान। इट हैज़ बीन डिजाइन ऑन द मोटो, इसका जो मोटो है वो लर्निंग थ्रू प्ले एज एनविसेक्ड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जादुई पिटारा इज अ प्ले बेस्ड टीचिंग लर्निंग मटेरियल डिजाइन फॉर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, ये 3 से 8 साल के लिए है, ठीक है। और एक और बात इसकी मैं बताना चाहूँगा, ये अभी 13 लैंग्वेज में है, ठीक है, ये आप याद रखोगे, ये पूछ सकता है भाई कितने लैंग्वेज में है, तो 13 लैंग्वेज में है। और इसकी जो मेथड है वो प्ले वे मेथड है, मतलब खेल के तरीके से आपको पढ़ाई कराई जाएंगी। द जादुई पिटारा इंक्लूड्स, इसके अंदर में क्या रहेगा, प्ले बुक रहेगा, एक्टिविटी बुक रहेगा, फ्लैश कार्ड रहेगा, पोस्टर डिपिक्टिंग डिफरेंट स्टोरीज रहेंगे, गेम्स रहेंगे, पजल्स रहेंगे, पपेट्स रहेंगे, एंड मैनी मोर आइटम्स, मतलब जो भी छोटे बच्चों के लिए है वो उसमें रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, दिव्यांग पार्क को लेकर है। श्री नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूनिक दिव्यांग पार्क। नितिन गडकरी ने फाउंडेशन स्टोन लॉन्च किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क के लिए। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, ये सभी को पता है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर नितिन गडकरी है, काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क इन नागपुर। तो ये कहाँ किया गया है, ये नागपुर में किया गया है, ये आप याद रखेंगे। द पार्क विल हैव अडॉप्टेड फैसिलिटीज फॉर ऑल 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, लाइक इसमें जो फैसिलिटीज रहेंगी ऑल द 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए वो रहेंगी टच एंड स्मेल गार्डन, हाइड्रोथेरेपी यूनिट, वाटर थेरेपी, इंडिपेंडेंट रूम फॉर मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन मदर। In 2016, the central government had passed the Rights of Person with Disabilities Act. 2016 में central government ने इसका एक act pass किया था। बढ़ते हैं next news की तरफ। जो next news है वो काफ़ी important है, इसके ऊपर में बहुत बार सवाल आता है। I2U2 हो गया, SARC हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। UAE to host first I2U2 vice ministerial meeting in Abu Dhabi. I2U2 की पहली वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग अबू धाबी में होने वाली है, और कौन होस्ट करने वाला है, तो यूएई होस्ट करने वाला है। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ I2U2 इन अबू धाबी फ्रॉम 20 to 26 February 2023। I2U2 मतलब होता है इंडिया, इसराइल, US और UAE, ये आपका I2, ये आपका U2। कोई अगर पूछेगा भाई I2U2 क्या है, तो इंडिया, इसराइल, यूनाइटेड स्टेट्स और UAE, ठीक है, ये मीटिंग अटेंड करने वाले हैं, ये आपका I2 और ये आपका U2। इन द फर्स्ट वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग सिंस द ग्रुपिंग I2U2 वॉज जॉइंटली अनाउंस्ड बाय प्रेसिडेंट जो बाइडन, इजरायली प्राइम मिनिस्टर लैपिट, UAE प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नयाना एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाला है। ड्यूरिंग द मीटिंग अपॉर्चुनिटीज टू एडवांस रीजनल कोऑपरेशन विल बी डिस्कस, रीजनल कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस होगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस होगा, जिससे कि पार्टनरशिप एड्रेसिंग द रीजन्स मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑफ द एनर्जी क्राइसिस एंड फूड इनसिक्योरिटी। तो इसमें आपका रीजनल कोऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मैनेजमेंट, एनर्जी क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी, सभी को लेकर डिस्कशन होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ।
जो नेक्स्ट न्यूज है वो पावर सेक्टर से, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पावर मिनिस्टर लॉन्चेस साडुन टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। सबसे पहले तो भैया साडुन का फुल फॉर्म देख लो, साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क। आर के सिंह द मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज लॉन्च द साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क, विच इसका एम क्या है, विच एम्स टू मॉडर्नाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया वाया नॉलेज शेयरिंग अमॉन्ग द रीजन्स डिस्कॉम्स। डिस्कॉम्स मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ये शॉर्ट फॉर्म है डिस्कॉम्स, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। साडुन इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर यूएसएआईडी एंड पीएफसी। यूएसएआईडी हैज ऑलरेडी शेयर द व्हाइट पेपर ऑन साडुन, एक व्हाइट पेपर ऑलरेडी शेयर किया गया है साडुन के ऊपर विद मेंबर नेशंस टू गेट देयर कॉन्करेंस ऑन ब्लूप्रिंट ऑफ द नेटवर्क एंड मूव अहेड इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। बेसिकली स्पीकिंग इसमें यह बोला गया है कि आप अपने प्लान्स बताइए, उसको प्रोसेस बताइए कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो डांस फेस्टिवल को लेके है। आपको ऑलरेडी बताया गया है फेस्टिवल हो गया, डांस हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 49th एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 किक्स ऑफ इन मध्य प्रदेश। खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है वो मध्य प्रदेश में चालू हो गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नर मंगूभाई पटेल इनॉग्रेटेड द 7-day लॉन्ग 49th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 एट द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। खजुराहो डांस फेस्टिवल 2023 इसका कौन सा एडिशन है, तो 49th एडिशन है, ये आप याद रखो। और कहाँ हो रहा है, तो खजुराहो में हो रहा है। खजुराहो कहाँ है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ द कंट्रीज प्रीमियर फेस्टिवल फोकसिंग ऑन इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। ये कंट्री का एक बहुत ही प्रीमियर फेस्टिवल है जिसमें कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को फोकस किया गया है, विच इज़ रिनाउंड नेशनली एंड इंटरनेशनली, और नेशनली और इंटरनेशनली दोनों काफ़ी माना जाता है। ये जो स्टार्ट हुआ था फेस्टिवल, ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल बनने का पूरा पूरा चांस लगता है हमको। केरला हाई कोर्ट बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू पब्लिश जजमेंट इन रीजनल लैंग्वेज। केरला जो है वो केरला हाई कोर्ट पहला हाई कोर्ट बन गया है जो कि जजमेंट को रीजनल लैंग्वेज में पास किया है। द केरला हाई कोर्ट हैज़ पब्लिश टू ऑफ इट्स रीसेंट जजमेंट्स इन मलयालम। केरला की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मलयालम, देयर बाय बिकमिंग द फर्स्ट हाई कोर्ट इन द कंट्री टू पब्लिश इट इन अ रीजनल लैंग्वेज। पहला हाई कोर्ट बन गया है कंट्री के अंदर जो कि अपने जजमेंट को मलयालम में पास किया है जो कि उनकी रीजनल लैंग्वेज है। अब ये पास किसने किया है, द जजमेंट वेयर पास बाय डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस एस मणिकुमार एंड जस्टिस शाजी पी चैली इन जनवरी वॉज मेड अवेलेबल इन मलयालम ऑन द हाई कोर्ट्स वेबसाइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक रॉकेट को लेके है। इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट लॉन्च इन चेंगलपट्टू। इंडिया का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट जो है वो स्कूल के बच्चों ने बनाया है फ्रॉम वेरियस स्टेट्स, लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 फ्रॉम पत्तिपुलम विलेज इन चेंगलपट्टू तमिलनाडु। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 हैज बीन लॉन्च बाय मार्टिन फाउंडेशन। किसने लॉन्च किया है, तो भाई मार्टिन फाउंडेशन ने लॉन्च किया है इन एसोसिएशन विद डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन एंड स्पेस जोन इंडिया। स्पेस जोन इंडिया का भी इसमें काफ़ी बड़ा दो ये है हाथ है। द रॉकेट कैन बी यूज फॉर रिसर्च इन टू वेदर एटमोस्फेरिक कंडीशन एंड रेडिएशन। रॉकेट का यूज़ काम में होने वाला है वेदर का रिसर्च करने में, एटमोस्फेरिक कंडीशन के लिए और रेडिएशन के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक अवार्ड को लेकर है। अवार्ड की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। प्राइम मिनिस्टर हसीना ऑनर्स डॉक्टर महेंद्र मिश्रा विद द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड इन ढाका। इंडियन एजुकेशनिस्ट एंड सोशल वर्कर फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस इन ओडिशा। ओडिशा के अंदर में लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, तो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन ढाका जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। डॉक्टर मिश्रा जो है वो फर्स्ट इंडियन है ये अवार्ड जीतने वाले। उनका मेजर जो काम जो रहा है वो रहा है लैंग्वेज में, कल्चर में और सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन में। और ये काम वो लगभग लगभग 3 डिकेड से कर रहे हैं। डिकेड मतलब 10 साल।
द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 2021 बाय यूनेस्को इज गिवन इन रिकॉग्निशन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रिजर्वेशन रिवाइटलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मदर लैंग्वेजेस. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक ईवी को लेकर न्यूज है. ईवी पे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उबर साइंस एमओयू विद टाटा मोटर्स टू ब्रिंग 25,000 ईवीज ऑन प्लेटफॉर्म इन इंडिया. टाटा मोटर्स ने और उबर ने एक एमओयू साइन किया है, बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है. उसमें कहा गया है कि भाई टाटा 25,000 ईवी देगा उबर को. दिस एग्रीमेंट इज बोथ इन अलाइनमेंट विद इंडियाज विजन टू रीच नेट जीरो बाय 2022 एंड उबर्स कमिटमेंट टू 100% जीरो एमिशन व्हीकल राइड्स बाय 2040. उबर का कहना है कि मैं 2040 तक के 100% जीरो एमिशन व्हीकल ये कर दूंगा. और इंडिया का बोलना है कि भैया हमारा विजन है 2070 तक के ईवी ये कर ले. ठीक है, तो ये जो है ये जो डील हुई है ये वाले कमिटमेंट के अंदर हुई है. द टाटा मोटर्स विल बिगिन डिलीवरीज ऑफ एक्सप्रेस टी ईवीज टू उबर फ्लीट पार्टनर्स इन अ फेस्ड मैनर स्टार्टिंग दिस मंथ. 25,000 गाड़ियाँ देना है धीरे धीरे फेस्ड मैनर में ये वाले महीने से देने वाला है. इससे क्या होगा, दिल्ली NCR हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पे जो उबर में ज़्यादातर ईवी की गाड़ियाँ काम करेंगी. दिस डील बिटवीन अ राइड हेलिंग ऐप एंड इंडिया स्टॉप कार मेकर इज द लार्जेस्ट ईवी कमिटमेंट एवर ऑफ दिस काइंड. ये सबसे लार्जेस्ट एवर ईवी कमिटमेंट किया है टाटा द्वारा उबर को. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज़ है स्पोर्ट्स को लेकर है, चेस को लेकर है, ग्रैंड मास्टर को लेकर है. विग्नेश एंड विशाख NR बिकम इंडियाज फर्स्ट ब्रदर्स टू बिकम ग्रैंड मास्टर. अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि भाई पहले दो भाई जो बने हैं ग्रैंड मास्टर, तो उसका आंसर रहेगा विग्नेश एंड विशाख NR. इंडियाज चेस प्लेयर विग्नेश NR हैज बिकम इंडियाज 80th ग्रैंड मास्टर. 80वां ग्रैंड मास्टर कौन है, विग्नेश NR. आफ्टर ही डिपीटेड जर्मनीज IM इजा शेंडर एंड वन द 24th नॉर्थ वेस्ट कप 2023 एट बैड जिक्शन इन जर्मनी. विग्नेश के जो बड़े भाई है जिसका नाम है विशाख, ये बने थे हैड बिकम इंडिया 59 ग्रैंड मास्टर इन 2019. दस विशाख एंड विग्नेश बिकम इंडिया फर्स्ट ब्रदर्स हु आर ग्रैंड मास्टर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक बुक को लेकर है, काफी इंपॉर्टेंट है. जेपी नड्डा लॉन्चेस बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स. बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा लॉन्च्ड अ बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स इन चाणक्यपुरी. ये आप याद रखेंगे कि भैया किसने लॉन्च किया है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, तो वो जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया है. While addressing the readers, Nadda said this book is going to open a debate on how PM Modi has taken a decision which has changed India's image worldwide. इंडिया की जो इमेज जो वर्ल्ड वाइड चेंज हुई है उसके बारे में डिबेट चालू हो जाएगा बोल रहे हैं, जैसा ये एड्रेस अब जब पढ़ना चालू होगा. इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वॉट वॉज द इमेज ऑफ इंडिया बिफोर मोदी जी केम टू पावर. और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के आने के पहले इंडिया की क्या इमेज थी वो भी आपको जानना चाहिए. बुक इज फॉरवर्डेड बाई यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर. बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ. नेक्स्ट न्यूज एक डे को लेकर है, डे के ऊपर में भी काफी बार सवाल पूछता है. जितने भी आपको डे बता रहे हैं आप अलग से नोट डाउन करके चलिए अपने नोटबुक में. सेंट्रल एक्साइज डे 2023 फरवरी 24 को मनाया जाएगा. एवरी ईयर फरवरी 24, हर साल 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे करके ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है. ये क्यों मनाया जाता है, द डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड टू ऑनर द सर्विस ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स टू द कंट्री. ये उनके ऑनर में मनाया जाता है CBGC डिपार्टमेंट के. ठीक है, तो ये थे कुछ 23 और 24 तारीख के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. थैंक यू सो मच. आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी जो एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव हो सके और आप जल्द से जल्द सिलेक्शन पा सके. थैंक यू सो मच.